बंगाल में किसानों व आढ़तियों ने मंडी में धान की खरीद नहीं होने पर गुरु ब्रह्मानंद चौक पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही किसानों व आढ़तियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला भी फूंका। आपको बता दें कि किसान कृषि बिलों के विरोध के बाद अब सरकार को मंडियों में धान की खरीद नहीं होने पर किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मंडियों में धान की खरीद नहीं होने पर नाराज किसान लगातार पिछले दो दिनों से सरकार के खिलाफ मंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि बिलों के बाद सरकार ने जल्दबाजी में हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद को शुरू करने का फैसला लिया है। आलम यह है कि सरकार व जिला प्रशासन की तैयारी के बिना किसानों की धान खरीदने का फैसला अब सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। किसानों की फसल को मंडियों में खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। करनाल में धान खरीद नहीं होने से नाराज किसानों व आढ़तियों ने आज गुरु ब्रह्मानंद चौक पर करीब एक घंटे तक जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। किसानों ने कहा कि बिना तैयारी के सरकार ने धान की खरीद को शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी फसल को मंडी में कोई भी नहीं खरीद रहा। अब उनकी फसल मंडी में पड़ी हुई खराब हो रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आखिर किसान की फसल की खरीद कब तक शुरू होगी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अभी तो कहने सरकार भी साड़ी जीरी थले किसान क्यों तंग करते हैं, सारे मरे पे ने, लोग कर्जिया चढ़े ने, कितों ठेके इन्ने दिते ने, कितों वजीरी तोलती को नहीं, 15-15 दिन हो गए होंगे बह गए असी सारी आ किसान जाके मंडी वेखो तुम की हाल होंगे, जूत खड़कन दिया, नहीं तो जूत भी खड़केगा सारा कुछ नुकसान होगा। पहले अगे अभी 15-10 तरीक जीरी लिया, साड़ी जीरी तुल जाती थी, सस्ती मिलती थी, महंगी वेखती थी, चले जाते सर दे के वेख जाती थी, असं घर चले जाते हूँ। सू 15 दिन हो गए शहर अच्छे बैठे मंडी रोन दे सारे, इंतजाम नहीं है मंडी, कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, सुकी जीरी पई है वह भी नहीं तुलती पी। सर हम तो 3-4 दिन से फसल हमारी मंडी में पड़ी हुई है, कोई खरीद नहीं रहा है, और इनका जबकि मैसेज आया था फोन पे, फिर हम फसल लेके आए हैं, गेट पास कटे हुए हैं सब कुछ, पर फसल कोई खरीद नहीं रहा है, इसीलिए आज खट्टर का पुतला यहाँ फूका गया है। हमारी तो यही मांग है, हमारी फसल खरीदी जाए, 4 दिन हो गया फसल खराब हो रही है, उसको पलटा पलटा लगाए जा रहे हैं, खर्चा सब जिम्मेदार को पड़ रहा है फसल खरीद। नाम मुख्तार सिंह, मैं ये बताना चाहता हूँ 26 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार के सब अफसरों के पास और पीके दास जी के पास और मंडियों के सभी जो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हैं उनके पास लेटर आ गया था। अभी 26 तारीख से ही परचेज शुरू है और आज 30 तारीख होगी, आज तक एक भी दाना खरीदा नहीं गया है, ना ही प्राइवेट दान खरीदी गई है, ना ही सरकारी दान खरीदी गई है, और सरकार ने जो आढ़तियों जो व्यापारियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था एग्रीमेंट या जो रिन्यू करना था वो अभी तक नहीं हुआ है। हमारे कुछ साथी किसान लीडर कल दिन में चंडीगढ़ में पीके दास जी से मिले थे, पीके दास जी ने फसल खरीद से बिल्कुल मना कर दिया है, और जब तक ये फसल खरीद सरकार नहीं लिखित में हमें नहीं देती, हमें मुख्यमंत्री से मिलने का कोई शौक नहीं है, डिप्टी सीएम से मिलने का कोई शौक नहीं है, पीके दास से मिलने का कोई शौक नहीं है, सरकार अपने एक चपरासी के माध्यम से हमें लिखित में यहाँ आश्वासन भेज दे हमारे धरने पर, हम आपकी पूरी फसल खरीदेंगे और MSP पे खरीदेंगे, तो हम अपना ये धरना खत्म कर देंगे। आज यहाँ CM का और डिप्टी CM का यहाँ पुतला फूका गया है और नारेबाजी की गई है, और अगली रणनीति ये है अभी मंडियों के गेट का ताला लगा के जाएंगे, मंडियों के गेट का ताला लगाएंगे, और हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और डिप्टी CM जी यहाँ पोजीशन आके देखें, यहाँ परिस्थिति आके देखें, क्या बुरा हाल है, क्या मरने के लिए छोड़ दिया है। राजेंद्र आर्य, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। सरकार को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जो ये अध्यादेश और ये जिम्मेदार किसान गड़बड़ कर रहे हो इसको बंद कर दो, जिम्मेदार बहुत ज़्यादा परेशान है, करनाल मंडी में 1 लाख से ऊपर बोरी पड़ी है, और जो शेलर वालों की जायज मांगे उनको मान के इस सारे काम को सुचारू रूप से चलने दो, नहीं तो ऐसे ना जीरी बिकेगी ना कुछ होगा, सारी जीरी खराब हो जाएगी, दाना उसका खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आज क्या किया गया? अब यहाँ पर खट्टरकार मोदी जी का पुतला फूका गया किसान यूनियन और आढ़ती यूनियन के द्वारा, साथ में मजदूर भी हैं सारे हैं। क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि जो शेलर वाले की जायज मांगे उनको मांगा जाए और उनको कहो कि वो राइस मिलर
जल्दी से जल्दी आए, उनकी मांगों को स्वीकार करके मंडी अपने जीरी का चरण उठान किया जाए। क्या नाम है? मेरा सुमित। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.